भारत रत्न और संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। रविवार को अंबेडकर चौक पर बने बाबा साहब की प्रतिमा पर बाबा साहब के अनुयायियों का तांता लगा रहा। बड़गो पोखरा टोला से अंबेडकर युवा समिति के तत्वाधान में बाबा साहब के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में हर्षोल्लास के साथ झांकी निकाली गई। समिति के सदस्यों ने अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। समिति के अध्यक्ष सुभाष चंद ने कहा कि बाबा साहब ने संविधान बनाकर इस देश के सभी वंचित लोगों को हक और अधिकार दिया। बाबा साहब के जन्म उत्सव को एक त्यौहार की तरह से हम मना रहे हैं। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में समिति के पदाधिकारी और सदस्य शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष सुभाष चंद ने कहा, मेरा नाम सुभाष चंद्र है। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 128वीं जन्मदिन के अवसर पर है। हम सभी भारतवासी, सभी वंचित लोग जिनको हक और अधिकार दिया बाबा साहब ने, संविधान बना करके इस देश को दिया और सभी को समान बराबरी, इस देश के जितने गरीब अमीर सबको एक बराबर अधिकार देने का काम किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आज उन्हीं के आज जन्मदिन के अवसर पर हम सभी लोग एक त्यौहार की तरह हर्षोल्लास के साथ इनके जन्मदिन को मनाया जा रहा है। ये अंबेडकर युवा समिति बड़गो पोखरा टोला से ये झांकी निकली हुई है और कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी से रामपुर, बड़गो, कजाकपुर, फुलवरिया, आजाद चौक, रुस्तमपुर होते हुए यहाँ आया। हम लोग आए हुए हैं बाबा साहब के मूर्ति पर माल्यार्पण कर करके और यहाँ मोमबत्ती जला करके और फिर हम लोग उसी रास्ते हम लोग और जाएंगे अपने स्थान पर। वहाँ शाम को हमारा प्रोग्राम है, खाने पीने की व्यवस्था रखी गई है, वहाँ मनोरंजन का व्यवस्था रखा गया है। हम लोग एक त्यौहार की तरह इसको मना रहे हैं।